स्वाभाविक रूप से मेरा प्रेस अभी जो तेलंगाना पर कसमय इलेक्शन थोपा गया है वो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड के बारे में है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया विचार देश के सामने रखा है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने एक नया विचार रखा है, वन नेशन वन इलेक्शन। चंद्रशेखर राव जी ने भी कुछ समय पहले और देश की जनता ने जिस प्रकार से उनको सम्मान दिया उससे नरसिम्हा राव की याद और ताजा हो गई है कि किस प्रकार से नरसिम्हा राव जी को उनके मृत्यु के बाद भी सम्मान देने में कांग्रेस ने उनको अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अटल जी के समय में भी तीन राज्य बने, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, उत्तराखंड बना, कहीं रक्तपात नहीं हुआ, कहीं दो राज्यों के बीच में वैमनस्य नहीं हुआ। हमने तरीके से तीनों राज्यों का विभाजन किया, उस वक्त भी अलग अलग सरकारें थी, ऐसा नहीं थी कि सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, परंतु तीनों राज्यों के विभाजन के बाद आज उनका मूल राज्य और नए बने राज्य के बीच के रिश्ते भी अच्छे हैं, कोई वैमनस्य भी नहीं है और तीनों राज्य प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है। परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र की मूल कल्पना पर परिवारवाद आघात करता है। लोकतंत्र की मूल कल्पना को परिवारवाद निर्बल करता है और यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ये इलेक्शन, ये चुनाव जल्दी 9 महीने जल्दी जनता पर थोपा गया है। मैं मानता हूं कि तेलंगाना की जनता इसको अच्छे तरीके से जानती है। मुझे ठीक याद है 2014 में टीआरएस पार्टी ने एक दलित मुख्यमंत्री का वादा किया था, शायद वो भूल गए हो, मगर तेलंगाना के दलित नहीं भूले हैं। चलो गलती हो गई, देर हो गई, सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूं। अभी भी आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री हो, क्या कुछ कर सकते हैं आप? सरकारों की भर्तियों के लिए, शिक्षकों की भर्तियों के लिए सरकारी स्कूल में जो वादे किए गए थे कहीं दूर दूर तक उसकी पालना नहीं हुई है, प्रोफेसरों की भर्ती भी रुकी पड़ी है, इसके लिए आप क्या जवाब देते हैं? एक भी नई सिंचाई परियोजना 4.5 साल में नहीं हुई। जो लेगेसी में मिला है उसी को भुनाना मुझे लगता है ये आदत हो चुकी है। हमने कल्लेश्वरम परियोजना को पूरी मंजूरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक और वादा था, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल और गांधी अस्पताल को विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने का, वो वादा भी आज का ज्यों का त्यों है। नए घोषणा पत्र में वादा रहेगा या नहीं रहेगा इसकी भी स्पष्टता करनी चाहिए। हर जिला मुख्यालय पर 100 बिस्तर का बेड का अस्पताल बनाने का भी और मंडल मुख्यालय पर 30 बेड का अस्पताल बनाने का वादा किया था, वो जस का तस है। मित्रों, पिछले 4 सालों के दौरान लगभग सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं होते क्योंकि सरकार आंकड़े ठीक से देती नहीं है, मगर एक अंदाज जो आया है
4,200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। इसका जवाब कौन देगा? तेलंगाना के जवान इसका जवाब मांगते हैं। गरीब लोगों के लिए 2,00,000 डबल बेडरूम के घर बनाने का वादा किया गया था। कम से कम प्रधानमंत्री आवास योजना का भी ठीक से इंप्लीमेंटेशन कर लेते तो कुछ तो 2 बेडरूम का नहीं मगर एक घर तो मिल जाता। कितने डबल बेडरूम घर 4.5 साल के शासन के बाद दिए, उसका जवाब तेलंगाना की जनता मांगती है। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। जिलों का पुनर्गठन, एमएलए के तुष्टिकरण के लिए, जनता को अच्छा लगाने के लिए कर दिए, हम इसका स्वागत करते हैं, हम इसका विरोध नहीं करते हैं। मगर जिले के पुनर्गठन के बाद सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कलेक्टर ऑफिस बन जाए, डीडीओ ऑफिस बन जाए, तहसील डीएसपी ऑफिस बन जाए, नए न्यायालय बन जाए, नई इजनोरी की ऑफिस बन जाए, नए सर्कल का डेवलपमेंट हो जाए, इस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों का भर्ती हो जाए। एक भी जिला क्या बता सकते हो? एक भी जिला जिसमें सारे काम समाप्त हुए? बड़े दुख की बात है कि इस प्रकार के पॉपुलिस्ट स्टेप लेने के बाद आपने एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की को गांव तक पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया। वो जिलों में ना तो पुराना काम चल रहा है, ना नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जनता की मुसीबत बढ़ी है। खम्मम में किसानों को उचित दाम की संघर्ष करते हुए हथकड़ी पहनाकर परेड किया गया। मैंने विगत 10 साल में ऐसा हादसा कहीं पर भी नहीं सुना है। आप उनको उचित दाम दे सकते थे, खैर अब जरूरत नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश भर के किसानों को अपनी लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का काम समाप्त कर दिया है। परसों ही देश की कैबिनेट ने 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने के लिए प्रस्ताव पारित कर रवि और खरीफ दोनों फसलों में किसानों को राहत देने का एक बहुत बड़ा निर्णय किया। सिरसिला जिले में रेत माफियाओं के खिलाफ लड़ते हुए दलितों पर जिस प्रकार से अत्याचार हुआ, वो तेलंगाना के दलित आज भी भूले नहीं। गरीब परिवारों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने देश भर के 50 करोड़ गरीबों के लिए, 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लाकर 5,00,000 तक का सभी बड़ी बीमारियों में खर्चा उठाने का एक बीड़ा नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाया। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है तेलंगाना ने आयुष्मान भारत में ज्वाइन न होकर तेलंगाना के गरीबों को वो योजना से महरूम रखने का, उससे वंचित रखने का काम किया है, महरूम रखने का काम किया, और ये सरासर अन्याय है तेलंगाना के गरीबों के साथ। उनका अधिकार है भारत सरकार की योजना को, परंतु केवल और केवल योजना बीजेपी सरकार ने करी है, इसलिए उसका सहयोग न करना मैं मानता हूं ये बहुत राजनीति का इससे खराब उदाहरण हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देश भर में सभी राज्यों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। यहां 15% से ज्यादा किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा नहीं उठा पाए हैं। ये 15% भी नेशनलाइज बैंकों से लोन लेने वाले किसान है, क्योंकि राज्य सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में विफल गई है। शहरी आवास और ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जानबूझकर उसको लटकाया गया है, टाला गया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं नीचे तक न पहुंचे। मिशन इंद्रधनुष,
एनटीसीपी और मलेरिया के लिए जो फंड आता है, मिशन इंद्रधनुष हर गर्भवती महिला और हर नवजात शिशु को टीका लगाने का एक योजना का नाम है, मगर उसका 38% उपयोग ही तेलंगाना सरकार कर सकती है। मैं पूछ सकता हूं क्या मुख्यमंत्री जी को, कितनी सारी सगर्भा महिलाओं और नए जन्मे बच्चों को टीका लगाने में क्या आपत्ति हो सकती है? सिर्फ इतनी ही कि योजना श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, कृषि बाजारों को इलेक्ट्रॉनिक करना और राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ जोड़ना, ये योजना भी यहां ठीक से लागू नहीं हुई। भारत सरकार ने 4 साल पहले तेलंगाना में 3 फूड पार्क के निर्माण के लिए मंजूरी दी, 165 करोड़ रुपया मंजूर किया। मैं पूछना चाहता हूं 4 साल हो गए, फूड पार्क पूरे कर पाए क्या? कर पाते तो तेलंगाना के किसानों को उचित दाम मिल सकते थे। 14th फाइनेंस कमीशन ने जो वित्तीय सहायता ग्राम पंचायतों को आवंटित की थी वो गांवों तक पहुंची नहीं है, कलेक्टर तक रुक कर पड़ी है। यह अधिकार है गांव के सरपंच का, यह अधिकार है गांव की चुनी हुई पंचायत का कि फंड उनकी इच्छा के अनुसार गांव की बेसिक सुविधाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करने के लिए। कहीं पंचायत घर बनते हैं, कहीं नंद घर बनते हैं, कहीं आंगनवाड़ी बनती है, मगर ये गांव को तय करना है। कलेक्टर क्या कर रहे हैं इसमें? इसका जवाब तेलंगाना की जनता को देना चाहिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश भर के पिछड़ा वर्ग के लोगों को सम्मान देने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया है। कांग्रेस की देश में लगभग 60 साल से ज्यादा समय तक सरकार चली, काका साहब कालोलकर कमीशन 1955 में बना था, उसकी एक सिफारिश थी कि ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देना, मगर ये नहीं करते थे। हमने किया, हमने करने के बाद जब बिल राज्यसभा में आया कांग्रेस ने उसको लटकाया। जब तक राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं हुआ, साथी दलों का बहुमत नहीं हुआ, कांग्रेस ने पिछड़े समाज के लोगों को सम्मानित करने के ये नरेंद्र मोदी जी के प्रयास को रोका, मगर अंततोगत्वा ओबीसी कमीशन आज संवैधानिक मान्यता ले चुका है। कांग्रेस पार्टी क्या जवाब देगी कि आपने किस आधार पर और क्या भावना से ओबीसी कमीशन के बिल को राज्यसभा में रोका था? क्या आप ये 12% माइनॉरिटी आरक्षण का विरोध कर सकते हो क्या? क्या आप तेलंगाना, आप हैदराबाद विमोचन दिन मनाओगे क्या? ये दोनों पार्टियां वोट बैंक के लिए एपीसमेंट के रास्ते पे चल रही है, वो तेलंगाना को न्याय नहीं दिला सकती। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने के बाद पहले कांग्रेस की सरकार थी, 13th फाइनेंस कमीशन था, 13th फाइनेंस कमीशन ने कांग्रेस को सेंट्रल टैक्स, अनुदान सहायता, रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट, आपदा प्रतिक्रिया रिलीफ फंड और लोकल बॉडीज ग्रांट, ऐसे 4-5 हेड के अंदर 16,597 करोड़ रुपया तेलंगाना को जो हिस्सा आया है उसको देने का काम किया था, जो नया तेलंगाना बचा है। मैं प्रो रेटा बात कर रहा हूं। 14th फाइनेंस कमीशन आया, नरेंद्र मोदी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी आई, 16,597 से बढ़कर 1,15,605 करोड़ रुपीज हमने तेलंगाना को देने का काम किया है। मित्रों, मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। इसके अलावे एम्स दिया है, आदिवासी यूनिवर्सिटी दी है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी है, श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना बागवान यूनिवर्सिटी दी है, प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दी है, पीवी नरसिम्हा राव वेटरनिटी यूनिवर्सिटी दी है, कॉटन रिसर्च सेंटर की सैद्धांतिक इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है, प्रोजेक्ट के लिए 1221 करोड़ जो खर्च नहीं हुआ है, 9 पिछड़े जिलों के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को 900 करोड़, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 40,800 करोड़,
महिला एवं बाल विकास के लिए 1055 करोड़, कृषि सिंचाई और पशुधन विकास के लिए 915 करोड़, रामगुंडन उर्वरक प्लांट के लिए 5200 करोड़, मेडक एनआईएमजेड इसके लिए 17300 करोड़, एम्स तेलंगाना के लिए 1200 करोड़, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1353 करोड़ और नक्सल प्रभावित जिलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 400 करोड़, 1,15,000 करोड़ रुपया और देने का काम किया है। कुल मिलाकर 2,30,000 करोड़ रुपया हमने राज्य को देने का काम किया है, जो कांग्रेस के समय से 15,000 करोड़ के हिसाब से 10 गुना 20 गुना के आसपास ही होता है। 20 टाइम कांग्रेस पार्टी जवाब देगी क्या? जब आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, ओएसी साहब भी इसका समर्थन करते थे। तेलंगाना को 15,000 करोड़ मिलता था, हमने 2,30,000 करोड़ रुपया तेलंगाना के विकास के लिए भारत सरकार से भेजने का काम किया। किस अधिकार से आप तेलंगाना की जनता के पास वोट मांगने जा रहे हो, जबकि आपका शासन था, अन्याय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पक्षापक्षी से ऊपर उठकर फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए, संघीय ढांचे की भावना को मजबूत करते हुए, आज हमारी सरकार नहीं है तेलंगाना, मगर हमने कोई भेदभाव नहीं करा है। हर एक चीज जो तेलंगाना के लिए कर सकते वो करी है। और मित्रों, जिस प्रकार से यहां इलेक्शन शेप ले रहा है, मैं तेलंगाना की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं और ये कहने भी आया हूं, हम मजबूती के साथ मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना के विकास के लिए गांव गांव तक जाने के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार है। एक जंग को बड़े जोर से, हिम्मत के साथ और डटकर मुकाबला करते कर लड़ने के लिए तैयार है। मैं तेलंगाना की जनता का आह्वान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करे। एक ऐसी मजबूत सरकार को वादा कर जाता हूं कि तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तेलंगाना के विकास के लिए समर्पित है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार भी तेलंगाना के विकास के लिए समर्पित है। भले इलेक्शन 9 महीना जल्दी लाए हैं, हम इलेक्शन लड़ने के लिए सुसज्ज है। हर बूथ में हमारा कार्यकर्ता पहुंच चुका है, मेरे भी कई बार दौरे हुए हैं, मोदी जी भी कई बार दौरे हुए हैं, और जिस प्रकार के सरकार चली है, तेलंगाना की जनता के आक्रोश को हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अच्छे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अच्छे तरीके से जानते हैं कि सरकार के खिलाफ किस प्रकार का आक्रोश है। चुनाव में हम बड़ी उम्मीद के साथ जा रहे हैं, हम तेलंगाना की जनता का आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए आज महबूबनगर से हमारे चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। इतनी ही बात करनी थी, बाकी जो आपको पूछना है वो पूछना। एक मिनट सुनो, सारे सवाल लेंगे, एक के बाद एक करो, जल्दबाजी मत करो। जो नाम लक्ष्मण जी बोलते जाएंगे वो बोलो। अमर अमित शाह जी, मेरा एक सवाल है। सवाल से पहले एक छोटी विनती है, वो भी तेलंगाना के आप लोग ने और करना है। मैं इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन का सेक्रेटरी जनरल हूँ। 2014 से लेके तेलंगाना में जो टीआरएस सरकार आई है, जब से ये साल 2018 में अगस्त 15 तक 220 जर्नलिस्ट तेलंगाना में मरे बुरी हालत में। मैं वो आपको देना चाह रहा हूँ, एक मिनट आप अगर अलाउ करें तो। आई वॉन्ट टू गिव यू दिस एंड आस्क द क्वेश्चन।